आज मैं जो टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है काउंसलिंग। और ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन उतना ही ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टच इट। आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा छोटी उम्र में है, उसको दुनिया की इतनी समझ नहीं है, और हो सकता है उसमें कुछ ऐसे विषयों पे उसके ऊपर से पीयर प्रेशर पड़ रहा हो, फैमिली पे प्रेशर पड़ रहा हो, जहाँ से उसका मन भी भटक रहा हो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा हो। तो जैसे हम बॉडी में बाकी चीज़ों के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, घुटने में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हेडेक होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, सिमिलरली अगर माइंड में प्रेशर है, माइंड में कुछ है, तो काउंसलर के पास जाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? वो भी तो एक प्रोफेशनल ही है। जैसे एक ऑर्थोपेडिक प्रोफेशनल है, वैसे एक काउंसलर भी प्रोफेशनल है। ये बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पे जिम्मेदारी है कि कभी भी ये स्टिग्मा ना आना दें बच्चों पे कि अगर वो काउंसलर के पास जा रहा है तो कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बल्कि आप ना ले जाके गलत कर रहे हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग को पॉजिटिवली लें, ये आपको आपके बच्चे को भी हेल्प करेगा। थैंक यू।